हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। मैं उत्तम आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम झकास तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जो हम लोग का टाइप वन क्लियर हो गया था, ठीक है। टाइप टू आज करेंगे क्लास में, तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए आज क्लास पहला क्वेश्चन है टाइप टू का। पहला सवाल क्वेश्चन है 66 नंबर है 66। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा कहाँ? 0 से 90 के बीच में है, मतलब कोई टेंशन नहीं है, सब प्लस प्लस हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या निकालना है मुझे? निकालना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, बस इतनी सी बात है। तो कैसे होगा इसका? एक कंडीशन दिया गया है और पूछ रहा है कि इसका मान बता दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है 3, 1, 2/3 ऐसे करके है। चलिए कोई बात नहीं है, तो सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करके यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना होता है इस तरह के क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है दो लाइन। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा लिखे इसको, तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आ गया? आ गया 2 cos² थीटा आ गया। अच्छा इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं कॉस साइन में, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 cos² थीटा। देखिए cos² कट गया, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा जी? साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1/2, जब इतना है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो साइन थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/√2। प्लस माइनस होता है लेकिन हम लोग माइनस वाला नहीं लेंगे, क्योंकि क्या बोला है? थीटा 0 से 90 के बीच में है, इसलिए मेरा माइनस वाला कंडीशन खत्म हो गया। तो साइन थीटा कितना होता है भाई? 45 डिग्री का होता है 1/√2। तो थीटा वाला यहाँ से कितना आ गया? देखिए थीटा वाला निकल गया 45 डिग्री, और जैसे थीटा का वैल्यू 45 डिग्री निकला, हम इसमें पुट करेंगे, मेरा आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए तो टेन 45 कितना? 1 का स्क्वायर 1, और ये होता है साइन 45 का 1/√2, तो 2 का स्क्वायर कितना? 2। तो कितना आंसर आ गया? 3 आ गया है। क्वेश्चन में बेहतरीन क्वेश्चन मस्त था, NTPC का आपका मेंस का आया हुआ था। चलिए बेहतरीन है, क्लियर है भाई सबको, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है 2 sec² a प्लस 4 cosec² a माइनस 2 tan² a माइनस 2 tan² a। लंबा क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं क्या है, सब सामने आ जाएगा, लंबा देखने का घबराना है क्वेश्चन, ठीक है। और इसका हमको निकालना है वैल्यू, इसका ऑप्शन है 4, 2, 6, 8, ये आपका ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखे, कुछ दिन आइडिया लग रहा है, क्वेश्चन खुद गेस करता है कि करना क्या है। देखिए ये दोनों उसको एक साथ लेते हैं, तो एक साथ अगर लेंगे तो 2 क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे ये हो जाएगा sec² a माइनस 10² a, इतना बड़ा सा को एक साथ कर लेते हैं, और इसको करेंगे 4 कॉमन, तो क्या हो जाएगा? देखिए हाई एक लाइन का सवाल, बिना पेन उठाए बनाने वाला क्वेश्चन है सब। चलिए समझा देते हैं, लिख देते हैं। अच्छा sec² a माइनस 10² a कितना? 1, तो 2 × 1 2, और cosec² थीटा माइनस cos² थीटा कितना होता है? 1 होता है, तो 2 + 4 कितना है? इजी क्वेश्चन, 6 आ गया आंसर। चलिए आया मजा। नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पे sin² थीटा प्लस 68 नंबर, यह है sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस क्या माइनस है? तो माइनस है तो हम माइनस कर देते हैं, माइनस एकदम एज इट इज क्वेश्चन लिख रहे हैं, sec² थीटा माइनस 10² थीटा और प्लस, ये भी लंबे सवाल लग रहा है, 10θ × cos θ ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इतना सवाल है भाई, गया से लेकर पटना तक का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन देखिए बहुत इजी रहता है इस तरह का क्वेश्चन, हमको निकालना क्या है? ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपके सामने sec² थीटा 4 sin θ cos θ
सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन को वैल्यू डालने से अच्छा क्या होगा, पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। वैल्यू डालिएगा तो कितना वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। समझा रहे हैं बात ना। चलिए इसको देखिए कैसे। देखिए ये बड़ा सा एक्सप्रेशन का साइन स्क्वायर प्लस कॉस क्या होता है, वन। देखिए अपने आप करते चल जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, वन होता है। तो वन माइनस वन प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए वन से वन यहीं पे कट गया, इतना अपने खलास हो गया, ये दोनों खलास हो गया यहीं पर, ठीक है। अच्छा इसको साइन कॉस में अगर ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस है। वाह ये तो बहुत मज़ेदार हो गया। देखिए देखिए कॉस से कॉस कट गया, ये तो बहुत जीरो हो गया। चलिए जितना देखने में लग रहा था बड़ा क्वेश्चन था, कुछ आगे जीरो जीरो आंसर, आंसर कितना आएगा, जीरो, ऑप्शन डी आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस, ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स बराबर टू है, ठीक है, टू है। तो निकालना है किसका, कोसेक एक्स का मान निकालना है, निकालना क्या आपका कोसेक एक्स का। और एक्स क्या है, जीरो से नब्बे के बीच में है, तो जीरो से नब्बे के बीच में रहेगा तो हमको कोई प्लस माइनस का कोई टेंशन है नहीं, ठीक है, कोई अंदाजे भी बनाएगा तो सही बन जाएगा, प्लस माइनस वाला लेना है नहीं। चलिए देखिए इसको सब को क्या करें, इसको कॉस में ले जाते हैं तो इसको तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। साइन स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है जी, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब तो इतना प्रैक्टिस हो गया क्वेश्चन, थ्री कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना, टू। अच्छा तीन में से एक जाएगा कितना बचेगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, एक बच गया। तो यहाँ से कॉस एक्स कितना, डायरेक्ट लिखे वन बाई रूट टू। अरे कॉस किसका वैल्यू होता है, कॉस होता है 45 डिग्री का। तो एक्स बराबर यहाँ कितना निकल गया, यहाँ से निकल गया 45। अब इसी 45 को यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो साइन 45 का होता है कितना, वन बाई रूट टू। तो कॉस एक्स 45 कितना हो जाएगा, रूट टू आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर है, ऑप्शन अपना डी आ गया, ठीक है, है क्लियर भाई सबको, मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए क्वेश्चन है यह, थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेवन कॉस स्क्वायर थीटा, सेवन कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, सिक्स है। तो पूछ रहा है कि थीटा जीरो से नब्बे के बीच में है तो टेंशन कोई है नहीं, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए थीटा का मान ज्ञात करना है तो इसको हम बताएंगे दो तरीका से, एक बताएंगे जो मेथड होता है जनरल मेथड, और दूसरा बताएंगे वैल्यू पुटिंग से। तो ऑप्शन आपके सामने क्या है जी, 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है और 45 डिग्री है, ये भी आपका ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, ठीक है। चलिए तो इसको करना क्या है, सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं इसका कि बेसिक कैसे बनेगा, दोनों जाना जरूरी है। चलिए बेसिक से पहले इसको डील करते हैं। इसको बेसिक में क्या करना होता है कि सबको साइन में लेकर चले जाइए, नहीं तो सबको कॉस में लेकर चले जाइए, ठीक है, तो जो इजी पड़े। तो इसको क्या करते हैं कि इसको नहीं तो एक दिमाग और लगाते हैं। देखिए थ्री साइन स्क्वायर है ना, अच्छा तो यहाँ पे सेवन कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फोर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम दोनों का पेयर बना लें, तो पेयर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तीन हो जाएगा कि तीन इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। यहाँ पर तीन आ गया तो थ्री प्लस, देखिए यहाँ भी दिमाग हमने लगा लिए तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, को फोर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, छः में तीन गया तीन, और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तीन बटा चार, ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आ जाएगा रूट थ्री बाई टू, क्योंकि थीटा क्या बोला है, सब मतलब जीरो से नब्बे के बीच में, तो हम प्लस लेंगे माइनस वाला वैल्यू लेंगे नहीं। तो कॉस किसका रूट थ्री बाई टू होता है, कॉस तीस का होता है। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया भाई, आ गया 30 डिग्री। देखिए हो गया इजी क्वेश्चन, ये हो गया आपका बेसिक, ठीक है, ये भी आना चाहिए। अब क्या करेंगे हम, वैल्यू यहाँ से उठा उठा कर डालेंगे वैल्यू कि किसको वैल्यू डालने पर छः आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अगर पहला ऑप्शन उठाते हैं तो साइन नब्बे का वैल्यू क्या होगा, वन, तीन बच गया, कॉस नब्बे जीरो होता है, तो ये तो होगा नहीं, पहले ही कट गया। अब तीस डाल के देखते हैं तो तीस में मेरा वैल्यू क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, बस आगे हम नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रिक वाला आप लोग बना लीजिए खुद वैल्यू पुटिंग करके, तो हम बता ही दिए हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलिए क्लियर भाई, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी साइन स्क्वायर बीटा प्लस क्यू कॉस स्क्वायर बीटा
पी कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू आर, यही है पी साइन स्क्वायर बीटा प्लस क्यू कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू आर। तो कॉट स्क्वायर बीटा का मान निकालना है, कॉट स्क्वायर बीटा का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। और ऑप्शन आपके सामने आर माइनस पी बटा क्यू ऐसे करके है, आर माइनस क्यू। तो देखिए कैसे होगा सॉल्व, ये आपका ग्रुप डी में भी आया हुआ सवाल है। चलिए इसको देखिए कैसे निकालते हैं, इसको इसको सिंपल से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ आइडिया लग रहा दिमाग में? या तो हम लोग सबको कॉस में लेके चल जाए या फिर सबको साइन में लेके चल जाए, ठीक है। तो इसको साइन स्क्वायर बीटा को हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस क्यू कॉस स्क्वायर बीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा जी, आर हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सिंपलीफाई इसको करके निकालते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पी ये हो जाएगा कहाँ, एक स्टेप थोड़ा सा उड़ाते हैं इसको। देखिए पी कॉस स्क्वायर बीटा माइनस में आ गया, क्यू कॉस स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लिख दें डायरेक्ट क्यू माइनस पी इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, कोई दिक्कत भाई किसी को? और पी है जो इसको कर देते हैं आर माइनस पी। देखिए स्टेप चुराना सीखना पड़ेगा। अब कॉस स्क्वायर बीटा यहाँ से क्या आ गया, डायरेक्ट आ गया हमको आर माइनस पी बटा क्यू माइनस पी निकल गया। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है, कॉट स्क्वायर का, अच्छा कॉट स्क्वायर का पूछ रहा है ना। तो यहाँ देखिए, अच्छा अगर इसको साइन में ले जाते तो मेरा काम बन जाता, कैसे अगर इसको सबको साइन में ले जाते तो यहाँ निकलता मेरा कोशेक का वैल्यू, और कोशेक से डायरेक्ट हम कॉट का निकाल लेते, समझ में आया बात? अच्छा कोई बात नहीं, कॉस आ भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ से सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका q माइनस पी अपॉन आर माइनस पी, उल्टा कर दीजिए इसको। अच्छा सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, वन होता है, तो सेक स्क्वायर बीटा माइनस वन हो जाएगा। तो इसको लिखें डायरेक्ट, इसको q माइनस पी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, देखिए r माइनस पी माइनस वन, ठीक है। तो इसको लेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा r माइनस पी, थोड़ा सा कैलकुलेटर क्वेश्चन है, हल्का सा हल्का है, तो q माइनस पी हो गया ये जगह माइनस r माइनस माइनस प्लस p। देखिए कुछ कुछ कट रहा है, अच्छा p से p कट गया तो कितना आ गया, ये आ गया q माइनस r बटा r माइनस p आ गया। ये किसका वैल्यू है, टेन स्क्वायर का। अगर उल्टा पूछेगा तो क्या करेंगे, ये आंसर मेरा आ जाएगा कितना, r माइनस p बटा क्यू माइनस आर। ऑप्शन क्या है देख लीजिएगा, ऑप्शन है क्या आर माइनस पी बटा क्यू माइनस आर, आर माइनस पी बटा क्यू माइनस आर, आर माइनस पी क्या है, आर माइनस पी बटा क्यू माइनस आर है ना, एक सेकंड, आर माइनस पी बटा क्यू माइनस आर। तो इसको उल्टा करेंगे तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है, आर माइनस पी बटा ये है कौन सा दिया, अच्छा इसको उल्टा करके दिया आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा यहाँ पे ये ऐसे दिया है पी माइनस आर बट आर माइनस क्यू दिया है, कोई बात नहीं है, बात एक ही है, तो ठीक है बस यही ऑप्शन पहला मेरा था करेक्ट। क्लियर भाई सबको? देखिए यहाँ से करना कुछ नहीं है, करना है कि सबको हमको या साइन में लेके चलना है या कॉस में, जैसे ही हमको पता है कि हमको कॉट का पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हमको अगर कॉस में ले गए तो क्या सेक स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर और उल्टा कर दे इसको, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो टेन स्क्वायर यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन करके यहाँ जो वैल्यू आएगा, फिर उसको कॉट क्या होता है, उल्टा होता है। है क्लियर भाई? चलिए बढ़े हैं आगे, चलिए बढ़ते हैं। इतना ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है, बहुत जबरदस्त कलेक्शन है इसमें। एक क्वेश्चन है कि वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये तो हल्का क्वेश्चन है, टेन स्क्वायर ए बटा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, इसका मान निकालना है। और ऑप्शन है कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए। देखिए सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन करना क्या है, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए का डायरेक्ट लिखें सेक स्क्वायर ए, और वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, बस एक लाइन का सवाल है। देखिए अच्छा सेक को क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉस स्क्वायर ए, और वन बाई साइन है तो ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो बटा वन, तो कितना आ गया जी साइन बाई कॉस कितना, टेन स्क्वायर ए मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा दे रहा है, ऑप्शन बी हो गया, क्लियर, बस यही तो सवाल। क्वेश्चन है टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, लिखते टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा
बटा वन माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस वन माइनस कॉस अल्फा, वन माइनस कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा, प्लस माइनस है ना, माइनस है, माइनस ये है साइन अल्फा डिवाइडेड बाई ये है वन प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। इस चार को ऑप्शन दिया गया है, वन माइनस साइन अल्फा, वन प्लस साइन अल्फा, वन माइनस कॉस अल्फा और वन प्लस कॉस अल्फा, यही है। चल देखिए आपके सामने क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ट्राई कीजिए पहले खुद से, वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। अच्छा इसमें कुछ अगर वैल्यू भी रखेंगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि ऑप्शन में भी सब वैल्यू रखना पड़ेगा भाई, ठीक है, इसलिए दोनों तरीका हमको आना चाहिए। अच्छा इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, एकदम बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं। देखिए टू माइनस, अच्छा साइन स्क्वायर अल्फा फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है इसका, साइन का वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यही हो जाएगा नीचे तो वही रह जाएगा। अच्छा प्लस वन माइनस कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा, ग्रुप डी का सवाल है भाई, ठीक है, एकदम मोए मोए करवा देगा ये, ठीक, देख लगा भाग गया, छोड़ छोड़ इसको, लेकिन भागना नहीं है। देखिए इसको ए प्लस बी इंटू माइनस बी करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाला कट जाएगा तो हमें बच जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस अल्फा, क्लियर है। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी वाला हमसे कट जाएगा, बच के जाएगा, ए प्लस बी वाला बच जाएगा। अच्छा इसको अब क्या करेंगे, इसको एक साथ सॉल्व कीजिए। अच्छा इसको अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू वन प्लस कॉस अल्फा, ठीक है, साइन साइन कट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, माइनस इसे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, वाह बहुत बेहतरीन आ गया, देखिए मज़ा आ गया इसमें करने में खुद। अच्छा दो में से एक जाएगा कितना बचेगा जी, वन माइनस कॉस अल्फा ही आ गया, रहने देते हैं इसको। अच्छा इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। अच्छा इसको अगर वन माइनस इसमें कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा, हर एक स्टेप को हम बता रहे हैं, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं हो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, ठीक है। और देखिए साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, वन, तो वन माइनस वन जीरो, जीरो बटा समथिंग, ये तो पूरा टर्म में जीरो हो गया भाई, तो इसका आंसर क्या आ गया, वाह बहुत एकदम बेहतरीन हो गया। वन माइनस कॉस अल्फा कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बी द करेक्ट ऑप्शन, आया मजाक नहीं आया, बोलिए हल्का है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ा, इसको साइन स्क्वायर अल्फा को वन माइनस कॉस अल्फा कर दिए और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर तोड़ दिया इसको, तो ए कट गया, एगो बच गया, ठीक है। और ये दोनों को अगर लिए यहाँ पे देखिए, जैसे लिए थे दोनों को माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा, इसका वैल्यू क्या हो गया, वन, तो वन माइनस वन जीरो, जीरो बटा कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म में खत्म हो गया, तो क्या बच गया, वन माइनस कॉस अल्फा है, क्लियर, क्लियर है, फास्ट नहीं ना हो रहा ना, फास्ट होगा तो वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, ठीक है। सवाल है कि साइन ए प्लस कोसेक ए, ये क्या है भाई, साइन ए प्लस कोसेक ए का है होल स्क्वायर प्लस यह है कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसका मान निकालना है, ठीक है, इजी क्वेश्चन लग रहा है। अच्छा पांच गो ऑप्शन आपके सामने है, फाइव प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर, अच्छा कोसेक और सेक में सबको लेकर चल गया है तो कोई बात नहीं है, पहले इसको हमको छो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको हो जाएगा लिखें साइन स्क्वायर ए प्लस, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन इन टू कोसेक क्या होता है टू हो जाएगा, इसी तरीके से इसको लिखें, देखिए स्टेप कैसे चुराना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस डायरेक्ट लिखें इसको टू, क्योंकि टू कॉस इंटू सेक क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना वन, तो दो दो चार एक पाँच आ गया यहीं पे, पाँच आ गया प्लस ये कितना आ गया, बस ये तो कुछ क्वेश्चन है बहुत ईजी था ये, बस ये तो कुछ करना ही नहीं था, बस खाली ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना था, तो कितना आ गया पाई प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर, ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। चलिए ऐसी हो गया, ये बोनस क्वेश्चन है, नंबर 75 क्वेश्चन है कि सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक कोसेक 3a माइनस 50, 50 है 3a माइनस 50 डिग्री, ठीक है,
जहाँ पूछ रहा है कि 4a और 3a क्या है, आपका न्यून कोण है, मतलब 0 से 90 के बीच में है। तो निकालना क्या है मुझे, a प्लस 75 का, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, a प्लस 75 का मान निकालना है, यही है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, a का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन हो तो sec बराबर cosec कब होता है, देखिए इसको एक स्टेप बताते हैं फिर डायरेक्ट बताएंगे इसको। देखिए sec जो होता है sec 4a, अच्छा कोसेक को क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा होता लिख सकते हैं इसको, सेक 90 माइनस 3a माइनस 50 डिग्री, इसको लिख सकते हैं। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, हम बता चुके हैं पिछला क्लास में, फर्स्ट क्लास में बताए थे, साथ फॉर्मूला सब लिखवाए थे। अच्छा यहाँ देखिए सेक सेक, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, 4a बराबर 90 माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 50 डिग्री, तो 4 3 कितना हो गया, 7a बराबर 9 5 14, तो a बराबर कितना आ गया 20 डिग्री, तो a बराबर 20 डिग्री आया, तो यहाँ से क्या हो गया 75 20 कितना आंसर आ जाएगा, 95 डिग्री आंसर आ जाएगा मेरा, है क्लियर, कितना दे रहा है 95 डिग्री। देखिए ये तो हो गया अपना इतना, अब लंबा इसको नहीं बनाना, इसमें ट्रिक्स अगर बनाएंगे तो देखिए ट्रिक्स कैसे बनाते हैं इसको। जब इस तरह क्वेश्चन हो कि sec थीटा बराबर cosec थीटा, तो दोनों का जो कोण है खाली एंगल, इसको जोड़ करके 90 डिग्री कर दे डायरेक्ट। sec थीटा और cosec थीटा कब होता है, जब इसका इसका एंगल दोनों का जोड़ करके डायरेक्ट, फिर यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे इस स्टेप पर, देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा कितना 4a प्लस 3a माइनस 50 डिग्री वाला कितना होगा जी, आ जाएगा 90 डिग्री। sec थीटा cosec थीटा कब होता है, यहाँ पर लिख भी देते हैं, देखिए sec थीटा बराबर cosec थीटा कब होता है, जब थीटा वाला कितना होता है, यहाँ पर अलग अलग कर देते हैं, sec थीटा cosec अल्फा कब होता है, जब थीटा प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तभी बराबर हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, क्लियर भाई। अब यहाँ देखिए 4 3 7 a इक्वल टू 9 5 14, तो ये बराबर आ गया 20 डिग्री। बस हमको, हालांकि दोनों हमको ये जाना, बेसिक भी जाना जरूरी है कैसे आया, और ये हमको फिर डायरेक्ट ट्रिक हो जाता है, दोनों बता दिए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल है कि कोस के पावर 4 थीटा, ये क्या जी, कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, यह के, के दिया गया है, तो पूछ रहा है कि 1 प्लस के बटा 1 माइनस के का मान निकालना है, यही सवाल है। ऑप्शन आपके सामने है कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर ये सब में, तो देखिए क्वेश्चन है कि इसको के बराबर का पहले वैल्यू निकालेंगे, कुछ जो निकलेगा उसके बाद हमको इसमें पुट कर देना है, और इसका वैल्यू हमको निकालना है, सिंपल सा सवाल है। चलिए ग्रुप डी में आपका आया हुआ सवाल है, देखिए कैसे होगा, बहुत बेहतरीन बेहतरीन कलेक्शन है बुक में, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको, इसको ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट एक स्टेप में, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो इसको अगर a मान दें इसको b मानेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार इसको जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना जाएगा 1, तो 1 तो लिखना है नहीं, अच्छा इसको क्या लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए इतना स्टेप कीजिए आप लोग खुद, बराबर के आ गया जी, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला कॉस टू थीटा भी होता है इसका, बराबर के आ गया, आ गया कॉस टू थीटा का वैल्यू क्या आ गया, के का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। अब इसमें वैल्यू डालिए, अच्छा वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस टू थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस टू थीटा, अब 1 प्लस कॉस टू थीटा हम पता है पिछला क्लास में फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये फॉर्मूला हम सब बता चुके हैं पिछले क्लास में, देखिए तो कॉस बाई साइन क्या होता है जी कॉट स्क्वायर थीटा, बस इतना ही क्वेश्चन करना था, बस मेरा आंसर आ गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है ऑप्शन ए हो गया क्लियर। अब वैल्यू पुटिंग तो आप लोग कर ही लीजिएगा, वैल्यू पुटिंग में कुछ क्या रखा हुआ है, तो वैल्यू फिर सब ऑप्शन में करना पड़ेगा, हमको इसी से इजी बन गया, वैल्यू पुटिंग क्यों करेंगे, ठीक है समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक वाइक करते रहिए, ठीक है लाइक में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो होल स्क्वायर दिया गया है सॉरी 1 माइनस कॉट थीटा बाई ए, ठीक है तो पूछ रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए, थीटा क्या है न्यून कोण है, न्यून कोण है मतलब सब प्लस प्लस है, कोई टेंशन हमको है नहीं, चलिए है सब सही बात, ऐसे करना सिंपलीफाई
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए इसको क्या करना है, पहले सिंपल सा क्वेश्चन को क्या ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। अब कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ऐसे करना स्क्वायर। तो इसको कर सकते हैं, अगर एलसीएम लेते हैं साइन थीटा तो कितना हो जाएगा जी, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमको सबको देखिए अब यहाँ से क्या करना, दिमाग लगाना पड़ेगा, हमको ले जाना किसमें, कॉस थीटा में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए तो 1 माइनस जो स्क्वायर है कॉस थीटा का, तो दो बार इसको कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा इंटू, समझ में आ रहा है, फास्ट नहीं ना हो रहा है। चलिए देखिए ये दोनों कट गया तो कितना आ गया जी, आंसर आ चुका है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और इसी का वैल्यू ना क्वेश्चन में दिया गया है, कितना है 1 माइनस कॉस थीटा बटा ए। तो ये तो दोनों कट गया, तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान आपका आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, 1 प्लस कॉस थीटा। ये पूछ रहा था कि ए का वैल्यू क्या होगा, आया मजा कि नहीं आया, चलिए मजा आया, मजा आ गया, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि कोसेक अल्फा बराबर 2, ठीक है, √2। कोसेक अल्फा क्या वैल्यू दिया है, √2 दिया गया है। तो पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है कि 2 sin² α + 3 cos² α / cot² α इसका मान निकालना है। अच्छा ये आरआर भी जेई का सवाल है, चलिए जेई का सवाल है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोसेक अल्फा का वैल्यू क्या है, √2। तो हमको इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, यही है क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ आइडिया लग रहा है इसमें कि नहीं। अच्छा इसमें देखिए कोसेक अल्फा है ना, तो इसको साइन अल्फा कितना हो जाएगा जी, 1 बाई √2 हो जाएगा। और साइन बाय फार्मूला क्या होता है, लम बटा कर्ण पी बटा एच, तो यहाँ से बी निकाल लें, बेस बेस क्या हो जाएगा, h² - p² तो √2 का स्क्वायर कितना, 2 - 1 कितना आ गया, 1 आ गया। अब सब वैल्यू खाली पुटिंग कीजिए, अच्छा 2 साइन अल्फा क्या होता है, लम बटा कर्ण, तो लम कितना जी 1 बटा √2 है का होल स्क्वायर प्लस 3 कॉस अल्फा क्या होता है, 1/2 बटा कर्ण। बस फार्मूला पता होगा, क्वेश्चन बन जाएगा। आई हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा मतलब √2 का स्क्वायर कितना, 2। अच्छा टैन अल्फा कॉट अल्फा उल्टा होता है, तो टैन अल्फा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो 1/1, तो ये तो एक ही रह जाएगा। अब कितना हो गया, 2 × 1/2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 + 3/2 हो जाएगा, और +3 हो जाएगा, कट गया तो कितना हो जाएगा, 1 + 3/2/3। तो ये आ जाएगा कितना, 2 अगर इससे नहीं तो कितना होगा, 2 × 3 = 5/2 और 2 × 3 = 6, तो 5/6 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। ये तो मेरा बन गया लंब बटा आधार से, जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण वाला से, और इसमें यहाँ थीटा का वैल्यू निकाल के बना सकते हैं। चलिए पहला ये हो गया, अगर इसमें बताएंगे, अगर ट्रिक्स बताना चाहते हैं इसमें, हालांकि वो भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा कोसेक अल्फा √2 है, तो यहाँ से देखिए साइन अल्फा कितना आ जाएगा जी, साइन अल्फा जो आ जाएगा 1 बाई √2 आ जाएगा, तो 1 बाई √2 किसका वैल्यू है, यह है साइन 45 डिग्री का, तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया 45 डिग्री। और यही अल्फा का वैल्यू इसमें रखेंगे तो काट छाट करने के बाद कितना आ जाएगा, बाकी वही बात हो गया, वो तो निकालना ही पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे बना सकते हैं वैसे, जैसे मर्जी, चलिए आगे बढ़े, आ रहा मज़ा सबको, चलिए मजा आना चाहिए। क्वेश्चन है कि 2 sin² θ + 3 cos² θ का न्यूनतम वैल्यू, मतलब लिस्ट वैल्यू निकालना है, इसका न्यूनतम मान निकालना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाला, ये आपका आया हुआ NTPC में आया हुआ है। चलिए ठीक है, देखिए इस कैसे सॉल्व होगा इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबको लेकर चले जाते हैं कॉस में, या सबको लेकर चले जाते हैं साइन में, किसी भी ले सकते हैं। तो इसको अगर ले जाएंगे तो कितना होगा भाई, इसको लिखे 2 sin² देखिए यहाँ पे दिमाग लगाएंगे हम लोग,
अच्छा थ्री कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें। अच्छा इसका इसका वैल्यू क्या आ जाए, डायरेक्ट टू लिखें प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा लिस्ट वैल्यू मतलब सबसे कम वैल्यू कब होगा, जब यहाँ पे कॉस का वैल्यू मिनिमम वैल्यू रहेगा तब ना यहाँ पे हमको मिनिमम वैल्यू निकलेगा। अगर मैक्सिमम निकालने के लिए बोलेगा तो कॉस का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। कोई चीज़ में अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है, और ज़्यादा हो जाता है, तो लिस्ट में सबसे वैल्यू इसका कम रखना पड़ेगा तब नहीं कम वैल्यू होगा। तो इसका वैल्यू थीटा का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, तो कॉस जो है कॉस थीटा बराबर यहाँ पर कितना रखें, यहाँ पर 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ इसका जो हो जाएगा तो कॉस 90 का वैल्यू 0, तो इसका मिनिमम वैल्यू का आंसर फिर कितना आ जाएगा 2। तो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, इसका आंसर कितना दे रहा है 2 दे रहा है, समझ में आया मिनिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो क्या होता, 2 × 1 = 3 हो जाता, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है भाई, रहा है मजा। देखिए अगला ने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, 6+ क्वेश्चन है कि कॉस एक्स प्लस 1/2 जो कॉस एक्स है वो दिया हुआ है 2। तो पूछ रहा है कि कॉस के पावर एन एक्स मतलब कॉस के पावर एन एक्स प्लस 1/2 साइन एन एक्स का मान निकालना है, यही है। अगर सिंपल सा अगर यहाँ पे हमको एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे मेरा आंसर आएगा। देखिए तो इस तरह का वैल्यू यहाँ पे वहाँ 2 कब होगा, जब जब इसको इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 होगा तो 2 हो जाएगा। तो कॉस एक्स का वैल्यू 1 कब होता है जी, तो ये होता है कॉस 0°। तो यहाँ पर एक्स कितना आ जाएगा, ये 0° हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू 2 कब होगा, जब इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, तभी तो 2 होगा। तो यहाँ से कॉस एक्स बराबर तो एक्स बार 0 है तो कॉस 0 का वैल्यू कितना, 1 का पावर एन 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो क्या होगा मेरा आंसर। इस तरह क्वेश्चन जब भी आंसर आएगा तो जो ये दिया हुआ रहता है वही आंसर मेरा हो जाता है, क्योंकि एन का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, मोस्ट वायरल क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन है कि दिया हुआ कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो साइन के पावर 8 थीटा प्लस कोसेक के पावर 8 थीटा, यहाँ कुछ ही पावर देगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर क्या होगा 2 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू किसका होगा, साइन प्लस कोसेक बराबर 2 है तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ थीटा और कितना जाएगा, थीटा और 90 बनाएगा, थीटा साइन 90 1 हो जाएगा, ये भी 90 1 1 1 2। तो बस जब इस तरह क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट हमको जो भी दिया हुआ है उसको डायरेक्ट मार देना है, ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। क्वेश्चन है कॉस थीटा 1 − tan θ प्लस साइन थीटा, यह 1 − cot θ, इसका मान निकालना है, ठीक है। और ऑप्शन आपके सामने है, साइन कॉस में सबको लेकर चल गया है तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को एकदम घबराना है, क्वेश्चन देकर के सिंपल सा क्या करना, सबको साइन कॉस में ले जाइए एकदम आँख मूंद के, तो ये हो जाएगा जी कॉस थीटा है, सो ले सकते हैं टैन को साइन बाई कॉस, ये RRJEE का क्वेश्चन है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, साइन थीटा, अच्छा कॉट को क्या ले सकते हैं, कॉस बटा साइन, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉस थीटा अगर एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, 1 − कॉस थीटा ना, तो ये जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसको क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यहाँ पे क्या बच जाएगा भाई, ये बच जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यही हो जाएगा। और देखिए साइन साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो ये कितना बच गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये क्या था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए कॉस से कॉस कट गया, अच्छा ये तो बहुत तो 0 आ गया आंसर, ठीक है, ये तो कट छट के 0 आ गया, चलिए सही है, क्लियर है भाई सबको। ऐसे ऐसे सीजन में आया था इस बार, देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, पीटी में आया था क्वेश्चन, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस ये कितना है कॉस थीटा, इसको हमको करना है सॉल्व, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ठीक है, RRJEE में पूछा था, सीजन में इस बार आया था, ठीक है, ऐसे 19 में RRB में आया होता जेई में,
देखिए कुछ नहीं करना है इसको, देखिए इसमें एलसीएम क्या ले सकते हैं, देखिए साइन थीटा अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, एक लाइन का सवाल है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर, तो देखिए कॉस थीटा अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और दोनों चीज़ सेम ही है क्योंकि कॉस टू थीटा फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और टू कॉस थीटा माइनस वन दोनों होता है, तो साइन बाय कॉस कितना आ गया, आ गया टेन थीटा, बस यही था सवाल। अरे जे का भी क्वेश्चन है कि टेन ए, देखिए क्या है आपका टेन ए डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए का स्क्वायर है ये, ठीक है, प्लस फिर ये क्या है कॉट ए बटा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर है, यही है। अच्छा तो इसका हमको चार ऑप्शन दिया गया है साइन कॉस में, या आर एल बी जे का सवाल है ये भी, ठीक है। चल इसको देखें कैसे होगा, सिंपल से जो क्या हम दिमाग लगाएं, इसको जो बड़ा सा दिया पर इसको छोटा करते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अभी टेन टेन रहने देते हैं इसको। अच्छा वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा जी, सेक पावर सेक स्क्वायर ए, अच्छा दो बार है तो इसको दो बार लिख देते हैं अपनी मर्जी से। अच्छा कॉट ए, अच्छा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, ये कोसेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए, इतना ही करते हैं क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंपलीफाई हो जाएगा अपने आप। अब इसको क्या करते हैं, इसको देखिए सेक को अगर ऊपर लेके जाते हैं, सबको साइन को तोड़िए, तो ये क्या हो जाएगा जी, साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है, और सेक स्क्वायर को अगर ऊपर लेके चले जाते हैं, तो इसको एक सेकंड, इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं साइन ए बटा कॉस ए है, तो सेक स्क्वायर ए को लेके चले जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अच्छा ये भी हो जाएगा ऊपर लेके चले जाते हैं इसको और क्या दोनों को, और इसको अगर तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा साइन ए, और ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा दोनों साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए, तो देखिए साइन से साइन ए वो कट गया, और ये कॉस ए से कॉस ए कट गया, अच्छा और कुछ नहीं ना है इसका अंडर रूट वगैरह ना है, चलिए ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब इसको यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, कॉस यहाँ पे कितना आ गया भाई, साइन ए इंटू यहाँ कितना आ जाएगा, कॉस क्यू ए लिखें इसको, प्लस ये कितना आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन क्यू ए, यही ना है, तो इसमें से साइन ए ये तो कॉमन हो जाएगा, देखते साइन ए इंटू कॉस ए अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कितना होता है, वन होता है, तो आंसर क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, साइन इंटू कॉस ए दे रहा ऑप्शन, ऑप्शन सी हो गया, आर आर बी जे का सवाल था। क्लियर भाई सबको, क्लियर है ना मस्त तरीके से। चलिए अब कोई क्वेश्चन, एक ग्रुप डी में आया क्वेश्चन जी, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पूछ रहा है कि टेन स्क्वायर ए बाई टू प्लस टेन स्क्वायर बी बाई टू प्लस टेन स्क्वायर सी बाई टू का मान क्या होगा। ऑप्शन है आपके सामने लेस देन वन, ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, लेस देन इक्वल टू वन, मतलब वन दिया है, लेस देन वन है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, लेस देन इक्वल टू वन है, कौन सा होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, अब पूरा सेशन का समझिए कि ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सवाल, पूरा सेशन में के अंडर में जो भी था, तो सिंपल सा दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, इसमें क्या करना है कि इसको ट्रायंगल एबीसी है तो तीनों कोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होना चाहिए, तो पहला जो हमने लेते हैं कि ए बराबर बी बराबर सी, इसको लेते हैं अगर 60 डिग्री लेते हैं इसको, ठीक है, इसको मानते हैं कि समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसमें अगर वैल्यू डाल कर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, रूट थ्री, नहीं तो 60 बटा रूट 30 ना, तो टेन 30 कितना हो जाएगा जी, 1 बाई रूट 3, और जब सब बराबर है तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 1 बटा 3 हो जाएगा, तो कितना आ गया आंसर, एक आ गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक होगा कि एक से बड़ा बराबर छोटा बराबर छोटा, ये तो ये ऑप्शन पहले ही कट गया मेरा, ठीक है। अब एक एक कोई और अपने वैल्यू अपने मन से ले लेते हैं, ठीक है, उसको चेक करते हैं कि एक से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है, तो यहाँ से अगर लेते हैं इसको, अच्छा एक और रख लेते हैं वैल्यू 90, ठीक 90, और दो रख लेते हैं 45 45,
तो 90 रखें तो क्या होगा, टेन थीटा बराबर 45 डिग्री। 90 रखते हैं, एक 90 रखते हैं, ए बराबर, देखिए पहले पूरे बहुत ईजी बता रहे हैं, ए बराबर अगर 90 लेते हैं इसको, अब बी कर लेते हैं 45 मत लीजिए इसको, 45 करेंगे तो 22.5 होगा, 10 22.5 का वैल्यू याद है, अच्छा नहीं याद है तो बता देते हैं अभी, बी 45 और सी भी 45 लेते हैं तो देखिए टेन जो हो जाएगा 90 बटे दो कितना 45, तो एक आ गया यहाँ पे, पहले ही आ गया, अच्छा टेन जो 22.5 डिग्री का मान होता है वो कितना होता है, ये होता है आपका √2 - 1 होता है, ठीक है, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो दो बार आ गया, तो यहाँ से कितना 1 में समथिंग जोड़ रहे हैं मतलब कुछ भी, तो एक से ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया मेरा, हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, अब ग्रुप डी का सवाल था, समझ में आया, इंटर वाला क्वेश्चन दे दिया, इन्होंने इंटर में पढ़ना होता था पहले, अब तो सिलेबस से हटा दिया है सब। तो आज के लिए हम लोग रन देते हैं इतना ही, हम लोग का टाइप टू हो गया एकदम फिनिश पूरा एकदम स्मार्ट तरीके से, तो आप लोग और रिस्पांस दीजिए, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सोल्यूशन कैसा लग रहा है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग टाइप टू हम लोग क्लियर हो गया, टाइप थ्री के स्टार्ट करेंगे, जल्द जल्द ट्रिग्नोमेट्री उड़ाते हैं, ठीक है, जैसे कोई और टॉपिक उठाएंगे फटाफट, तो आप लोग खुद राय दीजिए क्या ऐसा लग रहा है, सोल्यूशन नहीं लग रहा है, ठीक है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना है, बस इतना सा काम करना है, ठीक है, बस हम लोग एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के बता रहे हैं, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा जा रहा है जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टाइप के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।